जिस्मानी मांगों को लेकर डॉक्टरों की हड़ताल का फरीदाबाद में मिला जुला असर देखने को मिला। इमरजेंसी में वैकल्पिक डॉक्टर की व्यवस्था की गई थी जो आने वाले गंभीर मरीजों को रेफर कर रहे थे, तो वहीं ओपीडी में ज्यादातर डॉक्टर अपनी सीट पर नजर आए। जिन सीटों पर डॉक्टर नहीं थे उन सीटों के लिए वैकल्पिक डॉक्टरों की व्यवस्था की गई थी। बरसात का दिन होने के चलते आज अस्पताल में भीड़ भी कम थी, तो वहीं क्योंकि लोगों को पता भी था कि आज हड़ताल है इसलिए लोग भी कम आए। ऐसी स्थिति में फरीदाबाद में हड़ताल का मिला जुला असर देखने को मिला। वहीं सीएमओ डॉक्टर विनय गुप्ता ने कहा कि मरीजों के लिए तमाम तरीके के इंतजाम किए गए थे और मरीजों को कोई भी परेशानी नहीं होने दी गई। सर, डॉक्टर्स की हड़ताल का ऐलान हुआ था, किस तरह की स्थिति फरीदाबाद में है? आज डॉक्टरों ने हड़ताल का आह्वान किया था, लेकिन हमारे यहाँ पे व्यवस्था अच्छी तरह से चल रही है। सारी ओपीडी के अंदर डॉक्टर्स हैं और एब्सेंट डॉक्टर लगभग 30% हैं, ज़्यादातर 70% डॉक्टर हमारे प्रेजेंट हैं। हमारी पोस्टमार्टम व्यवस्था, इमरजेंसी व्यवस्था, लेबर रूम व्यवस्था और निक व्यवस्था पूर्ण रूप से चल रही है। हमारे थोड़े बहुत जो डॉक्टरों की कमी है उनको हमने DNB के डॉक्टर हैं, NHM के डॉक्टर और डिस्ट्रिक्ट रेजिडेंसी प्रोग्राम के तहत कार्य करने वाले डॉक्टरों को लगाकर व्यवस्था को दुरुस्त कर दिया है और लोगों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो रही है और हम पूरी तरह से तैनात हैं और कार्य अच्छी तरह से चल रहा है। कार्य अच्छी तरह चल रहा है, लेकिन हम देख रहे थे कि कई जगह नए चेहरे नजर आ रहे हैं, जो रूटीन डॉक्टर्स हैं वो नहीं है, तो इंतजाम कहाँ से किया गया है? डिस्ट्रिक्ट रेजिडेंसी प्रोग्राम के अंदर डॉक्टर जो डिफरेंट मेडिकल कॉलेज से हमारे पास 3 महीने के लिए आते हैं, DNB के डॉक्टर और NHM के डॉक्टर जो हैं उनको हमने वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर उनको लगाया है और वो पूर्ण रूप से कार्य संभाल रहे हैं। अच्छा, 2 जिलों का कार्यभार है आपके, पलवल भी और फरीदाबाद भी, तो अगर फरीदाबाद और पलवल दोनों जिलों की अगर स्थिति पूछी जाए कि दोनों जिलों की आज की हड़ताल का असर आप किस तरह से देख पा रहे हैं तो क्या बताएंगे? फरीदाबाद के अंदर तो हड़ताल का बहुत ही कम असर है, सारी व्यवस्था हमने पूरी रूप से कर रखी है। पलवल के अंदर भी सारी व्यवस्था पूर्ण रूप से की हुई है, OPD व्यवस्था, इमरजेंसी व्यवस्था, पोस्टमार्टम व्यवस्था अच्छी तरह से चल रही है और वहाँ की अटेंडेंस अभी थोड़ी देर में मेरे पास आएगी तो मैं आपको बता पाऊंगा कितने डॉक्टर। अच्छा, डर इस बात का था कि जो एक्सपर्ट डॉक्टर नहीं होंगे तो इमरजेंसी में परेशानी आने वाली है, इसके अलावा पोस्टमार्टम में परेशानी आएगी, OPD में जब लोग पहुँचेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या में बड़ा हॉस्पिटल है, बड़ी संख्या में मरीज पहुँचते हैं, तो किस तरह का इंतजाम? हमारे पोस्टमार्टम के अंदर जो डॉक्टर प्रियंका हैं वो रूटीन पहले जो पोस्टमार्टम करती है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट है, वही पोस्टमार्टम कर रही है। इसके अलावा हमने छायसा से भी एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट बुला लिया है, वो भी उनके साथ हेल्प कर रहा है। उनकी इमरजेंसी व्यवस्था के अंदर हमारे RMO डॉक्टर और अन्य डॉक्टर पूर्ण रूप से कार्य को संभाल रहे हैं। निक्कू के अंदर हमारे NHM के डॉक्टर पहले से ही हैं, वो पूर्ण रूप से उसे संभाल रहे हैं। लेबर रूम में हमारे जो DNB स्टूडेंट है गायनी के, वो पूर्ण रूप से कार्य कर रहे हैं और व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। तो ये मान के चलें डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, बता रहे हैं, दावा कर रहे हैं, स्थिति पूरी तरह से सामान्य है आपके साथ? स्थिति पूर्ण रूप से सामान्य है और अंडर कंट्रोल है। जहाँ पर थोड़े बहुत डॉक्टर कम थे उनकी व्यवस्था हमने पूर्ण रूप से कर दी है, किसी भी तरह की परेशानी नहीं है।